हम लोग जब से पैदा होते हैं हमें ज्यादातर क्या आ जाता है तुम ये नहीं कर सकती तुम ऐसे नहीं बैठ सकती तुम ये नहीं कर सकती तुम उधर नहीं जा सकती तुम बाहर रात में नहीं जा सकती तुम्हें इतने बजे वापस आ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वे रेस्ट्रिक्शन क्यों हैं और अगर हैं तो उसकी जो जड़ है प्रॉब्लम की उसको निकालना है आपका बहुत बहुत स्वागत है सानिया जी पैशन होता है कि जब आपको मालूम है कि यार यहाँ से हमें स्टार्ट करना है और विजडम जब आपको पता है कि वेयर टू स्टॉप

ग्रैंड स्लैम के लेकिन वो नहीं देखते थे या नहीं समझ पाते थे कि वो फाइनल में पहुंचने के लिए क्या मुझ में लाइक व्हाट आई एम एबल टू डू एंड व्हाट आई एम हैविंग टू डू टू टूद एक हम सब लाइफ में कोई खास वक्त होता है ना वहाँ पे कुछ होता है जो आपको ट्रिगर करता है और फिर आपकी लाइफ एकदम टर्न कर जाती है सबके लाइफ में होता है आपकी लाइफ में कौन सा था जो जो टर्निंग पॉइंट आपको लगता है कि यार ये नहीं होता तो ये नहीं होती आई डोंट थिंक मुझे ऐसे लगता है कि मेरे पीछे पड़े हैं बट आई डू एंड रियलाइज के आ, आपको हर कोई पसंद नहीं कर सकता दुनिया में आपको आपके फैमिली में हर कोई नहीं पसंद कर सकता तो दुनिया में कैसे करेंगे बात तो आपको हर कोई पसंद नहीं कर सकता और आप यू आर टॉकिंग अबाउट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल सबके अलग ओपिनियंस होते हैं सबके अलग चॉइसेस होते हैं लाइक्स डिसलाइक्स होते हैं और आपके खुद के भी होते हैं ये आप पे पर्सनल अटैक नहीं है यू नो अभी लास्ट के दस साल में आपने अपने अंदर क्या चेंज देखा कि जो बहुत बदल गई है जो, जो कुछ आई थिंक ये डेफिनेटली मुझ में पेशेंस ज़्यादा आ गया है आई थिंक दैट इज समथिंग समिंग एंड आई थिंक वो हुआ है डेफिनेटली विद एज बट ऑल्सो मेरे बच्चे की वजह से बिकॉज आई थिंक आप जब माँ बनते हैं तो आपको पेशेंस के अलावा और कोई चारा है नहीं um, तो आई थिंक मेरे लिए पेशेंस हैज़ बीन एंड इट्स एंड आई एम ग्लैड क्या है क्योंकि आई यूज टू बी क्वाइट अ मोर इम्पल्सिव पर्सन बिफोर और अब मैं कोई भी चीज़ करने या डिसीजन लेने से पहले या कोई भी चीज़ कहने से पहले भी मैं आई uh, थिंक सोचती ज़्यादा हूँ एंड आई थिंक दैट हैज़ टू डू विद द आई एम नॉट एज इम्पालसिव एक इंटरव्यू में आपने ऐसे बोला था कि योर बिगेस्ट बिगेस्ट फियर इज़ लूजिंग टच विद द रियालिटी मतलब हकीकत से आप दूर हो जाए yeah. या आपको समझना लगे उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है आई थिंक uh, हम जो uh, दुनिया में आजकल रहते हैं चाहे वो सोशल मीडिया की हो या चाहे वो हाँ इन माई केस इन फेम की हो लाइक इन इन अ लॉट ऑफ केसेज पब्लिक फिगर्स होते हैं यू हैव सो मेनी पीपल टेलिंग यू सो मेनी नाइस थिंग्स दैट आर अराउंड यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे भी लोग रखें जो आपको सच बोलें And I think it's very important you have reality say Hamesha and touch. what is important to you? Who is important to you? Who are you important to? Um, what are the most important things in life? And most important things in life are not um, pesa and fame and, and things. That's not the most. They are a part of luxury. But they are not the most important. What is important is that who's going to be there for you in your tough times? Who's going to be there for you when you really need that? Who are you willing to stand up for? Sportsmanship seek to up जीते कैसे और साथ ही हारना भी सीखते हो क्या लाइफ में भी वही चीजें उसी तरह से अप्लाई की जा सकती हैं या लाइफ अलग तरह से हिट करती है नहीं आई थिंक वही चीजें अप्लाई करती हैं क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी बनाती हैं एंड आई है And I think जो एजुकेशन मुझे स्पोर्ट से मिला है इस चीज में आई डोंट थिंक मुझे ऐसी कोई किताब हो सकती थी दुनिया में जहाँ मुझे वो एजुकेशन मिल पाता क्योंकि आप जानते हैं कि आपके बैड डेज होते हैं गुड डेज होते हैं आप जीतते हैं आप हारते हैं लेकिन आप नेक्स्ट डे फिर आते हैं और फिर कोशिश करते हैं और

नजरिए में थी लेकिन अभी भी बहुत बहुत एक लंबा सफर तय करना बाकी नहीं है। सफर तो अभी है एंड आई थिंक वो थोड़ा कल्चरल भी है कुछ चीज़ों में रिलीजियस भी है सो आई थिंक यू नो हम इतने डाइवर्सिफाइड कंट्री में से आते हैं कि सबका मेंटल uh, वो मिलना बहुत मुश्किल है hmm. लेकिन आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप लड़की को मौका तो दो आई थिंक ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि हमारे पास पहले मौका ही नहीं मिलता था hmm. तो जब कोई लड़की कुछ करने जाती थी तो उसको कह देती थी कि नहीं तुम नहीं कर सकती क्योंकि आई थिंक कि एज गर्ल्स हम लोग जब से पैदा होते हैं हमें ज़्यादातर क्या आ जाता है तुम ये नहीं कर सकती तुम ऐसे नहीं बैठ सकती तुम ये नहीं कर सकती तुम उधर नहीं जा सकती तुम बाहर रात में नहीं जा सकती तुम्हें इतने बजे वापस आ रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा होते हैं एंड आई थिंक कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वे रेस्ट्रिक्शंस क्यों हैं और अगर हैं तो उसकी जो जड़ है प्रॉब्लम की उसको निकालना है